जैसा कि हम सभी को पता है नीट एग्ज़ाम की डेट आ गई है। लेजेंड्स की हम बात नहीं करेंगे, हम जनरल लोगों की बात करेंगे। दो टाइप के लोग होंगे, वो क्या करेंगे, पहले तो ये कि डेट देखकर डर जाएंगे और प्रिपरेशन को छोड़ देंगे क्योंकि हमारी कुछ तैयारी नहीं हुई है ऐसा सोचकर। दूसरे क्या करेंगे कि अब इतने कम टाइम में हम प्रिपरेशन कैसे करें, हमें तो कुछ आता नहीं, जो आता है उसे भी ज़ीरो मानेंगे और बोलेंगे कि हमें कुछ नहीं आता, और फिर यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट एग्ज़ाम इन 5 मंथ्स, इन 4 मंथ्स, ऐसे या 3 मंथ्स करके भी प्रिपेयर करेंगे। और काफ़ी लोग ने वीडियो भी बना रखा है, तो उनकी स्ट्रैटेजी जो उन्होंने बनाई हुई होगी उसको वो लोग फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये गलत है। अपना जो स्ट्रैटेजी है, हम हर इंसान को पता होता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है अपने हिसाब से, कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, हमारा कितना हो गया है, कैसे। अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए, खुद उसको करिए कंप्लीट करने का, और आपको पता होता है कि आप कितना टाइम पढ़ सकते हैं। एक दिन में अगर आपकी कैपेसिटी की आप 6 घंटे पढ़ सकते हैं, तो आप अगर उन्होंने कहा 12 घंटे पढ़िए तो आप नहीं पढ़ सकते। आपको पता है कि 6 को आप 8 कर सकते हैं बट 12 नहीं कर सकते, लेकिन आप उनकी 12 घंटे की स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं जो कि कंप्लीट हो नहीं पाती है। 10-12 दिन में आते आते इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि परेशान हो जाते हैं और वो फॉलो नहीं हो पाती। वो जो 10-12 दिन वेस्ट हुए, आगे के 10-12 दिन फिर वेस्ट होते हैं, 1 महीना फिर से निकल जाता है, फिर आगे के 4 महीने की स्ट्रैटेजी फिर से यूट्यूबर्स अपलोड करते हैं, फिर उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, इस तरीके से एग्ज़ाम पास आ जाता है। जब एग्ज़ाम पास आ जाता है, 1 महीना बचता है, तो 1 महीने पहले से वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, ट्विटर पर लोगों के फॉलोवर्स बढ़ाते हैं, मतलब उनके फॉलोवर बन जाते हैं, उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, पोस्टपोन नीट # पोस्टपोन नीट स्टार्ट कर देते हैं। होना कुछ नहीं है, एग्ज़ाम 7 मई का ही होना है, लेकिन नहीं, हम पोस्टपोन नीट करना स्टार्ट कर देते हैं। पोस्टपोन नीट नहीं होता, नीट तो होता है नीट जो है वो तो टाइम पर ही होना है। पोस्टपोन होता है आपका नीट, जो कि अब आपको नेक्स्ट ईयर देना, मतलब आप अपने आप को ड्रॉप करवा रहे हैं, अपने हाथों से आप अपने आप को ड्रॉप करवा रहे हैं। तो ये सब ना करिए। हर इंसान को पता होता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है, किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है यूट्यूब से देखकर। अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए। आपको पता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आपको पता है कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम लगता है, आपको पता है कि आपको बायो आती है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री पर कमांड दे सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि किसी की केमिस्ट्री अच्छी हो तो उसको बायो में थोड़ा सा टाइम देना पड़े, लेकिन किसी और की स्ट्रैटेजी देखकर उसको फॉलो करके आप अपना अच्छा नहीं कर सकते। हाँ, आप एक पैटर्न देख सकते हैं कि इस तरीके से बनाया जा सकता है। आपको पता है आपका कितना सिलेबस कवर है, उसके हिसाब से आप बनाइए, उसको रिवीजन के लिए रखिए जितना आपका कंप्लीट है, जो कंप्लीट नहीं है उसे करिए। ये नहीं कि हमारा जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से कोई नहीं होता, कोई जीरो पर स्टैंड नहीं करता। अगर 12th पास हैं तो जीरो पर नहीं हैं आप उसको बनाइए, अच्छे से करिए। # नीट, पोस्टपोन नीट, ये सब लास्ट टाइम पर करने से बेटर है कि अभी से अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो बना लें। नीट एग्ज़ाम डेट पर ही होगा, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं और अच्छे से प्रिपेयर करें और एंड तक उसको फॉलो करें। और अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो आप उसे फॉलो कर भी पाएंगे, दूसरे की कॉपी करके कभी नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको करिए बहुत अच्छे से। ट्रिक्स चाहिए तो आप लोग वीडियोज़ में देख ही लेते हैं, और कोई ट्रिक चाहिए तो आप मुझे बता भी सकते हैं।